अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं अपने न्यू व्लॉग का आगाज कर रही हूँ। ड्राइंग कर रहा हूँ। ड्राइंग कर रहे हैं? मैंने ये सब बनाया है। ये सब आपने बनाया है? यहाँ क्या लिखा है आपने? शोरेन शोरेन जान। क्या? शोरेन जान। शोरेन जान। मैंने ये वाली गाड़ी बनाई है। दिखाओ ये क्या है? ये कार ही है। अच्छा कार है, मैंने इसके अंदर अभी कलर पूरा नहीं किया है। अच्छा तो भाई शुरेम यहाँ जो है ना अपने ड्राइंग में लगा हुआ है और मैं रेस्ट कर रही हूँ। शुरेम खाना खा लिया आपने? दिखाओ मुंह दिखाओ दाने कैसे हुए। देखें इसको बुखार के बाद ऐसा हुआ था और यहाँ पे कट लगा था इसको। पता नहीं कब ठीक होगा ना शुरेम। टीचर के पास भी जा रही है क्या? हाँ टीचर के पास भी जा रही है क्या? ये टीचर को मैंने बताया है आपको लगाता हूँ जिस दिन आप नहीं गए थे ना स्कूल। और ये शुरेम की दवाइयाँ हैं अभी मैंने बनाई पाउडर वाली। क्या कर रहे हो? आ जाओ दवाई पियो। क्यों? दवाई से इन्फेक्शन होता है। दवाई से इन्फेक्ट एलर्जी? नहीं अच्छी वाली दवाई। आपको जख्म है ना यहाँ पे वो ठीक हो जाएगा। नहीं हो सकता। क्यों दिखाओ? एक साइड पे मम्स निकले है ना शरेम को। हाँ शरेम रात को शरेम की तबीयत बिल्कुल सही थी। बस सुबह मैंने इसको उठाया अगले दिन स्कूल के लिए। इसके होंठ ऐसे सूजे हुए थे और इसका मुंह बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था तो मजबूरन इसको आज भी स्कूल की छुट्टी करानी पड़ी। इसको पता नहीं क्या होता है आजकल, क्या हो रहा है इसके साथ। एक दिन ये ठीक रहता है, दूसरे दिन इसके होंठ देखें कैसे सूजे हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको सुला दिया था और ये दोपहर का टाइम है, यहाँ पर लाइट नहीं है तो इस वजह से अंधेरा हो रहा है। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और यहाँ मैंने जो है ना चावल वॉश करने के लिए रख दिए थे। बस आप सोच रही हूँ दोपहर में जो है ना वाइट चावल बनाऊँ और क्या कहते हैं टमाटर का जो सालन होता है ना सिंपल, जैसे टमाटर की चटनी भी कहते हैं तो, लेकिन मैं सालन की तरह बनाती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ किस तरह से बनाती हूँ। तो बस टमाटर और हरी मिर्चों का ये सालन बनता है, बहुत मज़े का लगता है। अगर किसी ने ट्राई किया है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो बस दोपहर में यही कर रही हूँ मैं वाइट चावल, और बस चावल मुझे बॉयल करने हैं और टमाटर के सालन के। और बस मैं यही सोच रही थी कि बच्चे जो है ना बॉयल चावल नहीं खाते हैं तो इसी वजह से जो है ना मैंने जो नॉर्मल चावल बनते हैं वाइट थोड़े से स्टिकी टाइप के तो वो मैं बनाऊँगी ताकि बच्चे भी खा सकें। तो बस इसी की तैयारी करने में लगी हुई हूँ। और वंस अगेन अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और क्या कहते हैं, अच्छा ये जो टमाटर का सालन है या टमाटर की चटनी है ये जो है ना हमारी फैमिली में बहुत शौक से खाया जाता है। आप लोगों के लिए शायद कोई नई डिश होगी बट ये पुरानी है और इसका ताल्लुक जो है ना अरब ममालिक से। आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। वो जो है ना इस टमाटर की चटनी को या सालन को दकूस कहते हैं इसे अरबी में, और क्या कहते हैं इसको ऑयल के साथ भी बनाते हैं। और सिंपल जो है ना हरी मिर्च और टमाटर कुटी हुई लाल मिर्च और नमक को जो है ना चॉपर में चॉप भी करते हैं और ज़्यादातर इसको ऑयल में थोड़ा बहुत पकाते हैं ताकि वो एक चटनी की शक्ल या सालन की शक्ल इख्तियार करे। वो अपने तमाम डिशेज़ जैसे कि उनकी बिरयानी पुलाव और कब्सा या कबाइस जो भी इनके नाम है मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है, मंदी के साथ स्पेशली वो लोग शौक से जो है ना इसे पसंद करते हैं। आप लोग चाहें तो यूट्यूब और गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। तो बहुत मज़े की रेसिपी है, इतना वो नहीं है हल्की फुल्की, और खाने का जो मज़ा है उसको जैसे वो डबल करती खाने का, यानी वो दिल चाहता है कि और ज़्यादा खाएँ। तो एक रिफ़्रेशमेंट टाइप की ये चटनी या सालन जो भी हैं, और हम तो इसे दकूस नहीं कहते क्योंकि हम अपनी ज़बान में इसे टमाटर की चटनी या सालन कहते हैं, वैसे अरब ममालिक में इसे दकूस कहते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और चेक करें, गूगल पे सर्च करें, देखें किस तरह से बनती है। अगर आप लोग मेरा तरीका जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ एक दिन शेयर करूँगी अगर आप लोगों ने मुझे कॉमेंट किया तो।
और बातों बातों में यहाँ मेरा सारा काम भी हो गया, जो कि थोड़ा बहुत मैंने किया घर का काम। और बस यहाँ देखिए कि थोड़े से स्टिकी राइस मैंने बनाए, बहुत ज़्यादा पानी मैंने ऐड नहीं किया और ना ही ज़्यादा ऑयल। आप लोगों को पता होगा कि स्टिकी चावल किस तरह के होते हैं, तो सेम मैंने उसी तरह से बनाए हैं। बस ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं है ज़्यादा और टूटे हुए नहीं है तो साबित, लेकिन बस थोड़े बहुत मैंने इनको किया हुआ है। और ये देखें दकूस या टमाटर की चटनी या सालन जो भी कहें, बहुत मज़े की, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।